प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा किसानों का अधिकाधिक धान खरीद करने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के तहत महाराजगंज मंडी उपस्थल पर विपणन शाखा की खरीद केंद्र के लक्ष्य का लगभग 90% धान खरीद के काम को पूरा कर लिया है। अब तक 39,126 कुंतल धान खरीदा गया है, जबकि लक्ष्य 45,000 कुंतल का था। इस बार की खरीद में सबसे बड़ी खासियत यह रही कि बिचौलिए इस केंद्र पर धान बेचना तो दूर केंद्र के आसपास फटक नहीं सके। आपको बता दें कि एसएमआई चंद्रकेश यादव की अगुवाई में यहां पर दो कांटे लगाकर लगातार किसानों के धान की खरीद निर्धारित 15 अक्टूबर 2020 से शुरू कर दी गई थी और एसएमआई के कुशल संचालन से यहां कभी ना तो बोरों की कमी आड़े आए और ना ही किसानों के खातों में धन का प्रेषण ही आड़े आया। किसानों में इस केंद्र के संचालन को लेकर काफी प्रसन्नता है। किसान धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें इस बार धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हें जो टोकन दिया गया, निर्धारित तिथि पर टोकन के मुताबिक उनका धान खरीद लिया गया। उसमें फरहा, नमी जैसी अनावश्यक कटौतियां भी नहीं की गई। इसी प्रकार सेंटर पर मौजूद लगभग 10 किसानों ने भी इस बार खरीद केंद्र के संचालन की जमकर तारीफ की। वहीं किसानों ने बताया कि यहां पर बिचौलियों ने काफी चक्कर लगाए, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। केंद्र पर मौजूद एसएमआई चंद्रकेश यादव ने बताया कि 804 किसानों का धान खरीदा गया है। शासन की जो भी मंशा थी, उच्चाधिकारियों के आदेश निर्देश पर उसी प्रकार तौल कराई गई है। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और उच्चाधिकारियों ने समय समय पर उनके केंद्र का निरीक्षण भी किया और सबने कार्य सही होते पाया। आइए देखते हैं, एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। दादा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। पिताजी का नाम? नन्नू। गांव का नाम? ठाकुरपुर। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हो केंद्र पर? धान लेकर आए हैं जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत विशेष हमें नहीं आता हूँ, तो दिक्कत खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, कब लेके आए हो? आज लेके आने, कल की तारीख दिए रहे। कल की तारीख दिए थे? हाँ। तो कल तौल होगी, आज तौल होगी? अब देखो कैसे क्या करते हैं। अच्छा अच्छा, 14 कुंटल आज तौल आए गए हैं, ज़्यादा ठीक है। 14 कुंटल है? हाँ। और कोई परेशानी तो नहीं है? कहाँ के रहने वाले हो? 12 कलाक। अच्छा, यहाँ क्रय केंद्र पर क्या करने आए हो? धान बेचने। किसान हो आप? जी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आप? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं। तौल गया आपका धान? हाँ, लगा है नंबर से। नंबर कब है? नंबर नंबर आज आएगा, अभी शाम तक। शाम तक आएगा जी। टोकन मिला था आपको? जी। कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी। क्या नाम है भैया आपका? हरमन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? सादीपुर। अच्छा, यहाँ क्रय केंद्र पर क्या करने आए हो? हमारा धान बिक रहा है। धान बिक रहा है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। एसएमआई साहब ने क्या कहा, कब तौल होगी आपकी? आज के लिए कहा है। आज के लिए कहा है तो तौल हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? राम सजीवन। राम सजीवन, कहाँ के रहने वाले हो? रामगंज। राम करमगंज जी। क्या करने आए हो यहाँ पर? धान तुलाने आए सर। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ सर जी। पर मीडिया में तो बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्या करने आए हो? धान तोलने। किसान हो आप? जी सर। अच्छा, तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर आपको? दिक्कत नहीं, तौल हो रही है। बहुत बढ़िया, इस्माइल साहब बहुत अच्छे हैं, नंबर एक के आदमी। आज तक कोई अधिकारी ऐसा आया नहीं, उसी दिन आते हैं, उसी दिन तौल हो जाती है। आज की डेट है हमारी। जी जी। कितने बीघे के काश्तकार हो आप? 5-6 बीघे। 5-6 बीघे। कितना धान लेके आए हो? कहाँ के रहने वाले हो? माझी। 10-12 कुंटल। प्रधान जी के भाई हो क्या? अच्छा अच्छा। तो कितने बीघे के काश्तकार हो? 12 बीघे। 12 बीघे के। तो धान तौल हो गई आपकी? अभी नहीं हुई? अभी नहीं हुई। क्या बताया इस्माइल साहब ने? कल का है नंबर। कल का है तो आज ही लेके आए हो धान? धान आज लेके आए हो? कल लेके आओगे? लेके आए हमारे। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही यहाँ पर? कहाँ के रहने वाले? कितने बीघे के काश्तकार हो? 5 बीघे। 5 बीघे के। तो यहाँ क्या करने आए हो क्रय केंद्र पर? सर, गल्ला लेके आए हो? गल्ला लेके आए हो या धान लेके आए हो? जी, धान। धान लेके आए हो। क्या कहा एसएमआई साहब ने? आज के लिए लगाए। आज के लिए लगाए। तौल हो रही है? नहीं, अभी नहीं हो रही है। अभी नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत। कोई कमीशन घूसखोरी की बात तो नहीं? अविनाश अवस्थी। कहाँ के रहने वाले हो? 12 कला। कितने बीघे के काश्तकार हो? 12 बीघे। 12 बीघे के। तो यहाँ क्या करने आए हो क्रय केंद्र पर? धान के बेचने आए। तो तौल हो गई अभी? नहीं। जी जी जी। हो गई जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बहुत दया की व्यवस्था। अच्छा, कोई घूस वगैरह तो नहीं मांगा गया आपसे? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। पर जानकारी तो ये आ रही कि यहाँ एसएमआई साहब घूस मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा गलत है। गलत है? आपने नहीं दिया? ना ना।
और कुछ कहना है यहाँ के बारे में? नहीं, बढ़िया, उचित व्यवस्था, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है, शानदार जी।